दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये एक आयरन एंड कंक्रीट का आर्च ब्रिज है जो नदी के 359 मीटर ऊपर से गुजरता है, यानी आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में 469 मीटर का मेजर आर्च स्पैन है, जिसे बनाने में लगभग 1,500 करोड़ रुपए लगे। ये बक्कल और कौड़ी के बीच इस वैली को क्रॉस करता है, जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का भी पार्ट है। इससे श्रीनगर देश के बाकी हिस्सों से भी बेटर कनेक्ट हो जाएगा, जो कि विंटर्स में भारी बर्फ के कारण कट ऑफ हो जाता है कई दिनों के लिए। श्रीनगर अभी तक रेलवे लाइन से लिंक क्यों नहीं है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इसे बनाने में, इसके बारे में जानने के लिए हमें 134 साल पीछे जाना पड़ेगा 1890 में। तब ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट से होते हुए जम्मू तक की पहली लाइन खुली। इसे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे कंपनी ने बनाया। इसने ट्रैवल के साथ पंजाब और जम्मू के बीच शुगर ट्रेड बढ़ाने में मदद की। इसकी सफलता के बाद किंग ऑफ कश्मीर महाराजा प्रताप सिंह ने श्रीनगर को भी इस रूट से कनेक्ट करने की काफी कोशिश की। 1902 में उन्होंने दो रूट्स का सर्वे करवाया, एक रावलपिंडी से श्रीनगर वाया अबोटाबाद और दूसरा जम्मू से श्रीनगर वाया बनिहाल। इन दोनों रूट्स में डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से कॉस्ट काफी शूट अप करने लगी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं थी और गवर्नमेंट ने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया। जबकि महाराजा प्रताप सिंह अपनी डेथ तक इसके लिए कोशिश करते रहे, मगर फिर भी यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और फाइनली शेल्फ कर दिया गया 1925 में। 1947 तक जम्मू के साथ एक ही रेल लिंक था, जो सियालकोट से होते हुए जाता था। देश भर के अलग अलग हिस्सों से पैसेंजर्स को जम्मू जाने के लिए सियालकोट से होते हुए जाना पड़ता था, मगर पार्टीशन के बाद ये लिंक टूट गया। इसे सॉल्व करने के लिए 1949 में जलंधर मुकेरियन लाइन को 44 किलोमीटर से एक्सटेंड करने का काम शुरू हुआ पठानकोट तक। 3 साल में ये रूट तो बनकर तैयार था, मगर कथुआ तक पहुंचने में रेलवे को 14 और साल लग गए 1966 तक। यहां रावी नदी को क्रॉस करना एक चैलेंज साबित हो रहा था, इसलिए इतना टाइम लग गया। 850 मीटर के डुअल रेल ब्रिज बनाए गए इधर। 1972 में इसे आगे जम्मू तक एक्सटेंड किया गया और फाइनली फिर जम्मू देश के रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो पाया इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद। उसी साल पहली पैसेंजर ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से जम्मू टावी के बीच चली। 1983 में इसे आगे उधमपुर तक एक्सटेंड करने के प्लान्स बने, मगर काफी डिलेज के बाद ये सेक्शन फाइनली 2005 में खुला। इसके बाद 1990s में श्रीनगर को भी इस लाइन के साथ लिंक करने का प्रपोजल रखा गया। कुछ सर्विस किए गए जिसमें लंबी टनल्स और ऊंचे पिलो का बहुत सारा लिया गया डिफिकल्ट टेरेन की वजह से। इनमें चेनाब रेल ब्रिज भी शामिल था। कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से भी ये रूट अब और वायबल हो पाया है रिसेंटली। ये 272 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जो उधमपुर से कटरा, बनिहाल, काजीगंज से होते हुए बारामूला में खत्म होगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 41,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की जा रही है। इस रूट में 38 टनल्स होंगी, जिनमें देश की सबसे लंबी टनल T50 भी मौजूद है, जिसकी लेंथ होगी 12.75 किलोमीटर। इसके अलावा 927 बड़े और छोटे ब्रिजेस भी शामिल हैं इसमें। इसके ज्यादातर स्ट्रेच पर काम पूरा भी हो चुका है, बस थोड़ा सा स्ट्रेच रह गया है जो इस साल के एंड तक खुलने की उम्मीद है। 2008-09 में श्रीनगर के पास काजीगंज से बारामूला का पूरा रूट खुला 118 किलोमीटर लंबा। 4 साल बाद 2013 में काजीगंज से बनिहाल का 18 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच खोल दिया गया। इस सेक्शन में देश की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल पीर पंजल टनल भी शामिल है 11 किलोमीटर लंबी। उसके बाद मिड 2014 में उधमपुर कटरा सेक्शन खुला 25 किलोमीटर लंबा और अभी कुछ दिन पहले ही फरवरी 2024 में 48 किलोमीटर लंबा संगलडान टू बनिहाल सेक्शन भी खोल दिया गया है। अब फाइनल स्ट्रेच रह गया है कटरा से संगलडान के बीच 63 किलोमीटर लंबा, जो इस साल के एंड तक खुल जाएगा। जबकि चेनाब ब्रिज इसी लास्ट सेक्शन में आता है, जो अभी इनकम्प्लीट है, मगर खाली ब्रिज को पहले ही इनॉग्रेट कर दिया गया है। कटरा बनिहाल सेक्शन को 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस सेक्शन के खुलने के बाद पहली बार श्रीनगर भी देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ये रूट कई सेंसिटिव ज्योग्राफिकल एरिया से होकर गुजरता है, जो साइज्मिक जोन 4 और 5 का पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए नए हिमालयन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डी शेप्ड नॉर्मल टनल्स के बजाय यू शेप्ड टनल्स बनाए गए, जो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चेनाब ब्रिज को 260 किलोमीटर पर आर तक की एयर स्पीड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लस ये -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी आसानी से झेल लेगा। इसका लाइफ स्पैन 120 साल होगा। ये पहला स्टील आर्च रेल ब्रिज है देश में, स्टील ट्रसेस और कंक्रीट बॉक्स के साथ। कंस्ट्रक्शन में 25,000 टन स्टील और 46,000 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है। दो पाइलंस, एक 130 मीटर लंबा और एक 100 मीटर लंबा, ब्रिज के दोनों साइड पर इंस्टॉल किया गया है डेक को सपोर्ट देने के लिए। इसमें 17 स्पैन शामिल हैं 469 मीटर लंबे मेन स्पैन के साथ। अगर हम आर्च ब्रिज की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर ब्रिज टाइप है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टाइल है जिससे ब्रिजेस बनाए जाते थे। इसका पहली बार इस्तेमाल 3,000 साल पहले हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त इसकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, मगर उसके बाद धीरे धीरे करके गिरती चली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से आर्किटेक्ट्स को ब्रिज बनाने के नए तरीके मिल
गए। वो इजियर और चीपर भी होते थे। आज भी मॉडर्न और लार्ज स्केल पर कई जगह ब्रिजेस बनाने के लिए आर्च ब्रिज का इस्तेमाल हो सकता है। इनको ज्यादातर उन जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर दो हिल्स के बीच में एक वैली हो। आर्च ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल उसके कर्व डिजाइन में होता है, जिसमें पिलर्स नहीं बल्कि मल्टीपल आर्च स्ट्रक्चर्स होते हैं लोड को सपोर्ट करने के लिए। ये आर्च दोनों एंड्स पर एबटमेंट से सपोर्टेड होते हैं, जो एक बड़ा सा कंक्रीट बॉक्स होता है। आर्च ब्रिजेस के भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कॉर्बल आर्च ब्रिज। इसमें मेसनरी या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है सक्सेसिव लेयर्स में, जिसमें हर लेयर में पहले से बड़े कैंटिलीवर्स होते हैं, एक्वाडक्ट्स और कैनाल वायाडक्ट्स। ये ब्रिज लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए रोमन्स ने बनाए थे। ये सीरीज होती है आर्च ब्रिजेस की, जिसमें अलग अलग लेवल्स भी हो सकते हैं हाइट के हिसाब से। डेक आर्च ब्रिज, ये नॉर्मल आर्च ब्रिज होता है जिसमें डेक आर्च के ऊपर होता है। थ्रू आर्च ब्रिज, इसमें आर्च के ऊपर डेक ना होकर उसके बीच में होता है। कई बार डेक को केबल्स और टाइबार्ट से सस्पेंड किया जाता है। फेमस सिडनी हार्बर ब्रिज इस डिजाइन का इस्तेमाल करता है। टाइड आर्च ब्रिज, इसमें डेक नीचे होता है और ऊपर आर्च होता है और उसे सस्पेंड किया जाता है केबल्स की मदद से। ये एक बो एंड एरो के बो की तरह भी दिखता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक बनाने के कई फायदे भी होंगे, क्योंकि अभी जो श्रीनगर है ज्यादातर कट ऑफ है कंट्री से। पुअर कनेक्टिविटी की वजह से इधर रेलवे ट्रैक बिछाना काफी मुश्किल साबित हो रहा था, जो पूरे रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा बन के उभरा। जबकि रोड ट्रैफिक श्रीनगर तक रेगुलरली चलता है, वो काफी लंबा भी है और सर्दियों में हैवी स्नोफॉल की वजह से वो ब्लॉक भी हो जाता है कई बार। इस रेलवे लाइन के बनने से 24/7 कनेक्टिविटी रह सकेगी श्रीनगर से ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की मदद से। लोकल प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट प्रोडक्ट्स जो थर्मल फैब्रिक से बनते हैं, वो भी चीपर होंगे ट्रांसपोर्ट करने। रीजन में पॉल्यूशन भी कम होगी और 60% से टोटल फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। इसके अलावा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कई बार खराब हो जाते थे रोड ट्रांसपोर्ट में, अब उनको भी ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा। चेनाब नदी की बात करें तो ये देश में मेजर रिवर्स में से एक है। ये अपर हिमालयस में शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति रीजन से। ये दो रिवर्स को मिलकर बनी है चंद्र और भागा नाम से। भागा रिवर सूर्यताल लेक से ओरिजिनेट होती है और चंद्र रिवर उसी सेम पास के ईस्ट में एक ग्लेशियर है उधर से ओरिजिनेट होती है। ये दोनों जम्मू रीजन से पास करके पंजाब के प्लेन से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है इंडस रिवर में ज्वाइन होने से पहले। हाय गाइस, मैंने मुंबई और बैंगलोर के डिजिटल ट्रांजिट मैप्स बनाए हैं, जिन्हें आप अभी खरीद सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक से। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के बारे में जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। धन्यवाद।